सुधा गरीब विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ हो रहा है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है। ए, कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली? अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सब की नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आती हैं। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। आश्चर्य, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, ये कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब अपने आप को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था। इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो, दो दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर देखते हैं। एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाके माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचते हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई? ये अछूत होते ही ऐसे हैं, जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं, उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? वो मंदिर में आए और लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो।
इस भागदौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनिया हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, इन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है। हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, उसके फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी सुधा वहीं गिर जाती है। तारा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है, तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। किसने कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को, बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वालों की घिक्की बन जाती है। पुजारी दौड़कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से ही होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई दो पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। सुधा और तारा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी? फिर तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, हे ममता मई दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जल जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तोला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब सुधा और तारा ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही।